हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला यहाँ पे एक न्यू थीम के बारे में जो कि बिल्कुल प्योर iOS का लुक आपको देती है आपके डिवाइस में MIUI 12 में। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे क्या कुछ और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, किस किस तरीके की UI मिलती है और क्या कुछ जो है एडवांस थोड़ा सा आपको जो है UI चेंज होती है, बाकी वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और यहाँ पे जो है आपको मैं आगे इंस्टॉलेशन बता दूंगा कि किस तरीके जो है आपको इसको इंस्टॉल करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो वॉलपेपर्स हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 12 जो कि यहाँ पे MIUI 12 में तो आप कर पाओगे, जो कि यहाँ पे आईफोन जो कि 12 के वॉलपेपर्स वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल काफ़ी ज़बरदस्त जो है UI देखने को मिलने वाली। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर ले ताकि जब भी मैं अगले वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो कि इसका कंट्रोल सेंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टॉगल्स जो कि आइकन दिए गए हैं उनका सभी का जो है यहाँ पे टॉगल्स के आइकन चेंज हैं और यहाँ पे स्लाइडर जो कि ब्राइटनेस स्लाइडर है उसका भी आप देख सकते हो ये चेंज है, पहले जैसा नहीं है, बिल्कुल चेंज हो चुका है पहले से। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में तो सेटिंग्स आप देख सकते हो बिल्कुल ही आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं iOS जैसे ही आपको देखने को मिलेगा। और कुछ सेटिंग्स के जो नेम है वो भी आपको चेंज ही मिलते हैं और टॉगल्स इनेबल डिसेबल वाले भी आप देख सकते हो बिल्कुल आईफोन जैसे आपको मिलते हैं iOS में जैसे देखने को मिलते हैं उस तरीके से बिल्कुल आपको देखने को यहाँ पे टॉगल्स मिल जाते हैं। और आप देख सकते हो जेस्चर का जो एरो है वो भी आपको बिल्कुल एकदम अलग ही देखने को मिलता है आपके ओरिजिनल डिवाइस से, ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे नेविगेशन बटन की थी इसको तो ये तो आप देखोगे तो बिल्कुल ही आपका ज़बरदस्त देखने को मिलता है, बिल्कुल होम बटन है रिसेंट इन यहाँ पे बैक हो गया। आप देख सकते हो काफ़ी ओपी आपको देखने को यहाँ पे लुक जो है मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे और आप इसको यूज भी करेंगे डेली और काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे देखने में लगता है। डायलर भी आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा जो है आपको यहाँ पे लुक देने वाला है। हर जगह जो है काफ़ी सारी जो UI आपको चेंज मिलती है और आइकन भी आप देख सकते हो iOS के ही आइकन जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सभी आइकन जो है यहाँ पे चेंज हो जाते हैं बिल्कुल ही, आप ऑलमोस्ट आप देख सकते हो तो सभी आइकन जो है यहाँ पे चेंज है बिल्कुल। और यहाँ पे होम स्क्रीन में भी आप देख सकते हो तो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे साइड में टैप करते हैं तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आता है और यहाँ पे वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हो और साथ साथ यहाँ पे वॉलपेपर्स में आप चाहो तो ब्लर जैसे कि ब्लर ला सकते हो, इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिलते हैं, एक दो वॉलपेपर नहीं है, काफ़ी सारे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो ये जो है ब्लर हो गया है आपका बिल्कुल ही वॉलपेपर, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है बिल्कुल ब्लर देखने को मिलता है। तो इससे भी जो है लुक काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद भी होता है। नीचे आप देख सकते हो आपके जो डॉक जो कि देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी जो है आपका ये बिल्कुल चेंज हो रहा है, आपकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ये ऑप्शन दिया गया रीसेट के लिए यानी अप डाउन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, ऊपर आपको ये क्रॉस का बटन उस पर टैप करके हाइड कर देना और फिर वहीं पर टैप करोगे तो जो है वापस आपको देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन आपके कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, आपका यहाँ पे स्वाइप अप देखने को मिल जाता है, डबल टैप करने पे म्यूजिक देखने को मिलता है और साइड से लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से आप जो है यहाँ पे साइड से जो है कोने से बिल्कुल आप डाउन करोगे स्वाइप डाउन, तो इस तरीके कुछ चाहिए आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी सेटिंग्स की तो सेटिंग्स भी आपको इसमें देखने को मिलती है। यहाँ सेटिंग में आपको जाना है इस तरीके से तो इस थीम की जो सेटिंग्स है वो भी आपको मिल जाती है, जिसमें आप यहाँ पे ब्लर वॉलपेपर हो गया, ग्रेविटी वॉलपेपर आप देख सकते हो, काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो यहाँ पर जो है चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और साथ साथ चार्जिंग एनिमेशन आप साइड में देख सकते हो, चार्ज लगाने पे कुछ इस तरीके से माई आईफोन देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, iOS क्लासिक वाला कर सकते हो, iOS यहाँ पे इनविजिबल आप देख सकते हो, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आगे मैं स्क्रीनशॉट एक और आपको दिखा दूंगा जो कि आइकन चेंज है यहाँ पे चार्जिंग का, वो भी आइकन चेंज हो जाता है। और यहाँ पे तो काफ़ी सारे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देखने को मिलने वाली हैं सेटिंग्स की, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हो इसको। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रीसेंट के तो रीसेंट आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और क्लियर बटन भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो है चेंज ही है, तो बिल्कुल ही मतलब कि हर जगह आपको जो है चेंज देखने को मिल जाता है। तो आपका क्लियर बटन भी बिल्कुल चेंज आपको मिल जाता है यहाँ पे। और इसको जो है अप्लाई करने के लिए किस तरीके से जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो सिंपली आपको थीम स्टोर में जाना, आप जो है स्टेबल यूज़ करें तो थीम स्टोर में जाना आपको और यहाँ पर जो है iOS वॉस और यहाँ पर जो है वर्जन 12 लिख करके आपको सर्च कर देना है सिंपली। आप जो है स्टेबल अगर आप यूज़ कर रहे हो MIUI 12 के स्टेबल पे हो, ग्लोबल स्टेबल पे हो तो सिंपली इस तरीके से आप देख सकते हो बिल्कुल प्रीमियम थीम है यहाँ पे, प्रीमियम आपको मिलती है 39.8 MB की है यहाँ पे।
और यहाँ पे सिंपली आपको ये डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना बिल्कुल ग्लोबल वाले। तो और जो 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 मतलब यूज़ करते हैं पोर्ट रोम हो गया या जेएसआई रोम हो गया, उसके थीम स्टोर में जाते हैं, चाइनीज़ थीम स्टोर होता है या फिर उनमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता थीम स्टोर में, अगर नहीं आता तो कोई नहीं, ईजी है बिल्कुल। आप उसके थीम स्टोर में जाते हो जब माई थीम में, तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्ट का ऑप्शन उनमें देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लेना। सिंपली आप यहाँ पे इंपोर्ट वाले पे जा करके अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल इंपोर्ट करके, और उसके बाद रिबूट कर लेना अपना डिवाइस एक बार, तो जो है बिल्कुल इस तरीके से अप्लाई हो जाता है पोर्ट वाले रोम में भी, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो एक बना रखा हूँ कैसे इंपोर्ट करना है, तो इसका उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के वो वीडियो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूटूथ से जैसे कुछ शेयर करते हो तो डिवाइस जो आता है उसका भी आप देख सकते हो बिल्कुल चेंज लोगो आइकन जो है चेंज मिलता है, और यहाँ पे भी आप चार्जिंग एनिमेशन जो कि देखने को मिलता है वो भी बिल्कुल चेंज स्टेटस बार पे मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे इस थीम को, और काफ़ी ज़बरदस्त देखने में भी लगता है जिस फ़ोन का, तो यहाँ पे लुक जो कि फ्रंट ही लुक अच्छा रहता है तो उसमें और भी ज़बरदस्त देखने में ही लगता है, और फुल स्क्रीन रहे तो फिर तो और भी। तो यहाँ पे Xiaomi के काफ़ी सारे डिवाइस हैं जो कि काफ़ी अच्छी उनमें लुक देखने को मिलेगा इसको अप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे इसमें भी आप देख सकते हो जो कि ये Poco M2 Pro है और इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरीके से जो है अप्लाई कर पाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। अगर किसी को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा, और हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन ले लेना, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और बाकी इंपोर्ट वाले अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना, बाकी तो इंपोर्ट मैं ऑलरेडी करके चेक कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस यही सारी चीज़ें आज के वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।